और खास करके हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हमारे पवन खेरा जी को अरेस्ट करके जो भी आसाम की पुलिस आकर उनको अरेस्ट करे, लेकिन कानून में वैसा कोई प्राविधान नहीं है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी और एक तमाचा उनके ऊपर गिरा। ऐसे इंसिडेंट जो फजूल जनता को भड़काने का काम ये जो बीजेपी सरकार कर रही है, इसका मैं खंडन करता हूं। और ऐसी चीजें डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। हम जब पार्लियामेंट के अंदर बोलना चाहते हैं तो भी ये लोग हमको बोलने नहीं देते, जब हम अपनी बात बाहर रखना चाहते हैं तो उस वक्त भी बोलना चाहते हैं, हमको बोलने नहीं देते। इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच को, आजादी को खत्म करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं और इनके हाथ में डेमोक्रेसी और संविधान सुरक्षित नहीं है। इसीलिए और एक बार ऐसे लोगों के कार्रवाई के खिलाफ मैं कंडम करता हूं। और दूसरी चीज, जब हमारा यहां पर प्लेनरी सेशन हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर ईडी की छापे, इनकम टैक्स के छापे, ऐसा कभी हुआ है? वो लोग भी कहीं अधिवेशन किए हैं, लेकिन कभी आपने सुना है उनको किसी ने धक्का लगाया, किसी ने उनको पूछा? लेकिन यहाँ हमारे इस प्लेनरी सेशन को खत्म करने के लिए इसको नहीं होने देना, इस तरीके से वो कोशिश के, वो शायद कभी दशकों में आजादी के बाद नहीं हुआ। चलते हुए जहाज को रोककर जिस प्रकार से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को जबरन उतारा गया, ये असम पुलिस की, मोदी सरकार की सरेआम गुंडागर्दी का सबूत है। क्या कसूर था कांग्रेस के नेता का? अगर कोई शब्द कह भी दिए तो वो धार्मिक भावनाएं भड़काने या समाज को तोड़ने का षड्यंत्र कैसे हो सकता है? कांग्रेस का महाअधिवेशन कल से रायपुर छत्तीसगढ़ में शुरू हो रहा है। मोदी सरकार इतनी डरी है, इतनी घबराई है कि कभी तो ईडी का दुरुपयोग छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और पार्टी के खिलाफ किया जाता है, कभी वहां छापे मारे जाते, कभी ईडी के लोग उसी होटल में और उसी जगह रहना चाहते हैं जहां कांग्रेस के नेता रहना चाहते हैं। ये सरकार है या फिर हिटलर शाही की फैक्ट्री? और आज जिस प्रकार से एक किसी टेलीविजन पर दिए गए बयान को लेकर, वो भी जो गुजरात में दिया गया था, असम के आदिवासी क्षेत्र से एसपी डीएसपी ने जाने किस किस अधिकारी को भेजा गया, और जैसे उग्रवादियों से पेश आते हैं उससे भी बुरी तरह से कांग्रेस के नेताओं से पेश आए, ये दर्शाता है कि ये सरकार किस प्रकार से घबराई और डरी हुई है। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी गई और कांग्रेस पार्टी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी आई, और आखिर में कानून की जीत हुई, सत्य की जीत हुई। अग्रिम जमानत हमारे साथी और सहयोगी पवन खेड़ा जी को मिल गई है, पर मोदी सरकार जान ले कि वो हमारी आवाज नहीं दबा पाएंगे। मोदी सरकार ये जान ले कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को डरा नहीं पाएंगे।